जय माता दी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में। फरवरी 2020 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इस महीने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। फरवरी माह में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, एजुकेशन की, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और आपकी हेल्थ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ग्रहों में गोचर की स्थिति क्या रहेगी। फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति ऐसे बनेगी कि पूरे महीने बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में रहने वाले हैं। इसके अलावा तीन ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं जिनमें सूर्य, शुक्र और मंगल शामिल हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो कि 3 फरवरी की रात 2:17 पर अपनी चाल बदलेंगे। कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 8 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल 8 फरवरी की रात को वृश्चिक राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि धनु राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा 13 फरवरी को सूर्य देव अपनी चाल बदल रहे हैं। सूर्य देव 13 फरवरी को दोपहर 3:03 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, ये था ग्रहों में गोचर की स्थिति के बारे में और अब बात करते हैं राशिफल की। और सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार कारोबार के बारे में। आपके बिजनेस के व्यापार कारोबार के डेली इनकम के स्वामी शनि देव हैं जो कि इस महीने मकर राशि से आपकी राशि से छठे स्थान पर रहने वाले हैं। मकर राशि शनि देव की सबसे प्रिय राशि है। दोस्तों, सिंह राशि वालों को इस महीने में बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। विदेशी कामों में बड़ी अच्छी सफलता मिलने का योग बना हुआ है, लेकिन लाभ के साथ साथ आपको मेहनत अधिक करने की जरूरत पड़ेगी और आप मेहनत करने को तैयार भी रहेंगे। इस महीने आपको अपना पूरा फोकस अपने व्यापार की तरफ लगाना चाहिए। आपका ध्यान कैसे अच्छा बना रहे और कैसे आपकी मेहनत बढ़े, इस बात का आप प्रयास करें। इस महीने आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। व्यापारियों को इस महीने पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है। व्यापार में बड़ी मात्रा में धन लाभ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय निवेश के चलते आपके कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं। सही जगह आपका पैसा इस महीने में लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप लकी रहेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव है। विदेश जाने की इच्छा आपकी इस महीने में पूरी हो सकती है। विदेशी कामों में सफलता का योग है। विदेशी कंपनियों से जुड़े कामों में आपको लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर रहने वालों को फायदा मिलेगा और जन्म स्थान से दूर व्यापार करने वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों, आपको इस महीने अपने बिजनेस के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छे समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। किसी भी तरह की लापरवाही इस महीने में ना बरतें। दोस्तों, बात करें आपकी जॉब के बारे में। आपके करियर के स्वामी जो कि शुक्रदेव हैं, इस महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपकी राशि से 8वें स्थान में रहेंगे। जॉब करने वाले इस महीने में बहुत अधिक भागदौड़ करने वाले हैं। शुक्र की कृपा से कई सुनहरे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन काम का प्रेशर इस महीने में बढ़ने वाला है। अधिक भागदौड़ आपकी बनने वाली है। मेहनत आपकी बहुत ही ज्यादा होगी जिस वजह से शारीरिक और मानसिक थकान भी बनेगी। इस महीने आपको कार्यस्थल पर सब्र और धैर्य भी बनाए रखना होगा। काम के साथ साथ अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अपने पार्टनर के साथ संतुलन बिठाने का प्रयास करें। अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर चलें। काम करने वालों के साथ विनम्रता से पेश आएं। इस समय आपको अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। आप अपने सीनियर्स की बात को मानकर चलें और अपने घर परिवार के लोगों की राय लेकर चलना भी आपके लिए उचित होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी अपनी जॉब में या किसी भी तरह के बदलाव के बारे में इस महीने में ना सोचें। अगर आप नई जॉब तलाश रहे हैं तो ये मौका आपके लिए अच्छा है। आपको प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें आपकी एजुकेशन और लव लाइफ की, तो इस महीने बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत होने से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बड़ी सफलता और कामयाबी मिलेगी। लव लाइफ वालों के लिए ये समय बहुत ही खास रहेगा और इस समय आपको एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहुत ही सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत ही आगे निकलेंगे। लव और रोमांस में इंटरेस्टेड लोगों के रिश्ते भी बन सकते हैं। मौज मस्ती भी आपकी होने वाली है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव इस महीने में देखे जाएंगे, इसलिए आपस में आपको प्यार से बात करनी चाहिए। बोल चाल में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अपनों की बुरी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। बात करें आपके घर परिवार की, तो घर परिवार में इस महीने सुख शांति देखी जाएगी। मंगल और बुध की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पारिवारिक रिश्तों में अब मिठास आएगी और पुराने वाद विवाद दूर होंगे। घर परिवार से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। आपकी सेहत की बात करें तो सिंह राशि वालों, इस महीने सेहत के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। काम के साथ साथ हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर फरवरी का महीना आपके लिए बेहद ही
खास और शानदार रहेगा। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।